Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assignments and Info. Dear students, आज की वीडियो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड 2020 वाले हैं और स्मार्ट सिलेबस उन्हें इशू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रोटेस्ट सामने आया है फ्रॉम स्टूडेंट्स, और वो प्रोटेस्ट क्यों किया गया उनकी तरफ से, उसकी क्या वजह थी और इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से शफकत महमूद साहब तालीमी मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से स्मार्ट सिलेबस इशू किया गया था और उसी सिलेबस के तहत तमाम स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे. पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें स्मार्ट सिलेबस इशू नहीं हुआ. वो कौन से स्टूडेंट्स हैं? खुली कचहरी के दौरान लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ये बात सामने आई है कि कुछ आर्ट सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्मार्ट सिलेबस इशू नहीं किया गया और इस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वो इस बात पे सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों की गई, जबकि तालीमी साल है वो सबके लिए शॉर्ट है, पढ़ने का टाइम सबके लिए एक जितना है. तो ऐसा क्यों किया गया कि साइंस स्टूडेंट्स, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो स्मार्ट सिलेबस इशू कर दिया गया, जबकि आर्ट स्टूडेंट और कुछ आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस इशू नहीं किया गया उनके कुछ सब्जेक्ट्स के लिए. तो इसकी क्या वजह है जो कि ये नाइंसाफ़ी की गई है? उन्होंने गवर्नमेंट से इस बारे में सवाल किया है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो अब आप भी काइंडली अपने व्यूज़ शेयर करिएगा थ्रू कमेंट्स कि आप क्या समझते हैं कि इस मोमेंट पे क्या डिसीजन लेना चाहिए. क्या इस वक्त स्मार्ट सिलेबस इशू कर देना चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए भी, या इसी तरह से इस प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए आगे एग्ज़ाम्स 2021 की तरफ बढ़ना चाहिए? आपके ख्याल में क्या राय है? अपनी राय को ज़रूर शेयर करिएगा मुझसे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.